नमस्ते, आज हम बनाएंगे मैंगो का डेजर्ट जो कि झटपट और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनेगा। बहुत ही इजी और टेस्टी होगा। इसे हम तीन तरह से सेट करेंगे। तीनों टाइप इसमें अलग अलग स्वाद देंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार इसे सेट करें और इसका आनंद लें। और आज हम इस डेजर्ट को बिना जिलेटिन या बिना अगर अगर के सेट करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमने दो केसर आम लिए हैं। आप किसी भी टाइप के आम ले सकते हैं। इन्हें छील लेंगे और चाकू से खड़े और आड़े कट लगाकर स्क्वायर नुमा पल्प निकाल लेंगे। ऐसा करने से इजीली पल्प निकल आएगा। दो कप आम के क्यूब्स ले लिए हैं। आम के टुकड़ों को हम मिक्सी में डाल देंगे। उसमें डालते हैं आधा कप शक्कर और एक से सवा कप दूध, और इसे हम मिक्सी में घुमा के स्मूथ प्यूरी बना लेते हैं। इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। अब एक नॉनस्टिक पैन लेके उसमें ये सारी प्यूरी डाल के सिम आंच पे गैस पे रख देते हैं। अब बना लेते हैं कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर। उसके लिए एक कटोरी में पाव कप कॉर्नफ्लोर लेंगे, पाव कप दूध डाल देंगे और उसका एक स्मूथ मिक्सचर बना लेंगे। इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। इसे बनाकर हम साइड में रख लेते हैं। आम के मिक्सचर को हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। आंच हम मीडियम रख सकते हैं। आम काटते ही हम उसे थोड़ा सा चख के देख लें और उसकी मिठास चेक करें। उस अनुसार शक्कर का प्रमाण हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ी सी शक्कर इसमें बढ़ा सकते हैं, या अभी आप ऊपर से भी थोड़ी सी शक्कर मिला सकते हैं। 3-4 मिनट पकने के बाद ये उबलने लगेगा और इसमें बबल्स आने लगेंगे, तब समझो ये पक गया है। अब इस स्टेज में हमें इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी जो बना के रखी थी वो डालना है। स्लरी डालते समय हमेशा उसे पहले चला लें, फिर बाद में ही डालें, वो नीचे जम जाती है। धीरे धीरे स्लरी डालते जाएं और एक हाथ से मिक्सर को चलाते जाएं, नहीं तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। और इसे अब लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। 2 मिनट बाद ही मिक्सर गाढ़ा होने लगेगा। किसी कारण से अगर इसमें लम्स पड़ गए तो आप इस मिक्सर को ठंडा होने के बाद मिक्सी में एक बार फिर चला के स्मूथ कर लें। 3-4 मिनट पकने के बाद मिक्सर का टेक्सचर एकदम स्मूथ और क्रीमी हो जाएगा। देखिए, इस तरह का मिक्सर हमें चाहिए। यह बनके तैयार है। अब आंच बंद करते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर आने पर हम इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे। इससे स्वाद बहुत बढ़ जाता है। आम अगर बहुत ज़्यादा खट्टे हों तो इसे ना डालें। अब हम इसे मोल्ड में सेट कर लेते हैं। मोल्ड्स को हम मेल्टेड घी या मेल्टेड बटर से हम ग्रीस कर लेंगे ताकि वो आसानी से अनमोल्ड हो सके। यहाँ पे हमने सिलिकॉन मोल्ड लिए हैं। आप किसी भी मोल्ड में सेट कर सकते हैं। अब मिक्सर को मोल्ड में हम फिल कर देते हैं। मोल्ड्स अगर ना हो तो आप स्टील की कटोरियों का प्रयोग भी कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से ये जम जाता है। भरने के बाद इन्हें एक दो बार टैप ज़रूर करें ताकि इनमें अगर कोई एयर बबल्स हो तो वो निकल जाए, और चाहो तो ऊपरी सतह को
किसी स्पैचुला या स्पून से आप एक सा कर लीजिए। इसकी जेली पुडिंग सेट करने के लिए हमें नॉर्मल फ्रीज में इसे एक घंटे के लिए सेट करना होगा। अगर आपको जल्दी है तो फ्रीज़र में 30 मिनट के लिए इसे रख दें। 30 मिनट बाद इन्हें अनमोल्ड करके देखते हैं। हाँ, देखिए कितनी अच्छी जेली पुडिंग सेट हुई है। यह बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है। अगर आप इसे अनमोल्ड नहीं करना चाहते तो आप इसे किसी भी फैंसी कप में एज अ चिल्ड डेजर्ट सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लाइट एंड अट्रैक्टिव डेजर्ट बनके तैयार होता है। इसे अगर आप कुल्फी के रूप में सर्व करना चाहते हैं तो फ्रीज़र में 4 से 8 घंटे के लिए जमा दें और इसे आसानी से डीमोल्ड करके रियल मैंगो कुल्फी की तरह आप सर्व कर सकते हैं। चाहो तो आप इसे कुल्फी मोल्ड में स्टिक के साथ भी जमा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से कर दीजिए। हम फिर आएंगे नए रेसिपीज़ के साथ।